देखो गाइस ये हैं डॉग, इतने बड़े बड़े चीता की तरह डॉग है, इनसे मुकाबला करना हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, इसलिए हम तो नींबू से ही खेल रहे हैं। एंजॉय किया। और दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा, ये राजस्थानी जोधपुरी दाल बाटी चूरमा यहाँ मिल रहा है। बड़े नवाब हैं, इनको बड़ा शौक है फूलों का, तो ये मतलब फूलों में इतने मस्त हो गए कि इन्होंने अपने फूल चश्मे पे लटका लिए। और ये हमारे नींबूबाज आदमी, इन्होंने नींबू तोड़े हैं, और गाइस डर के हमारे इन्होंने मेरी जेब में डाल दिए हैं नींबू। एक भाई वहाँ पे मजे ले रहा है, कितना मजा आया सामा भाई? बस बहुत अच्छा लग रहा है भाई, पहाड़ियों के बीच में झूले, हाय हाय, छोटा सा टुकड़ा है लेकिन उसके अंदर इतना मजा, हाय हाय, आई लाइक इट, मजा आ गया भाई। तो हाय गाइस, न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ सबका स्वागत है। आज हम आए न्यू पार्क में जो बर्तरी के पास है, और काफी अच्छा है पार्क है, दिया है फूल अरे मिनट रुको तो सही यार, ये लगा दिया, ये हमारी डार्लिंग है, यहाँ पे फूल लगाया है, ये फूलवंती के फूल लगाए हैं। तो ये हमने ये नींबू तोड़े हैं अभी, इतने बड़े बड़े, इनका घर ले जाके जूस निकालेंगे। और ये नींबू शुगर में बहुत काम आते हैं। कहाँ है नींबू? ये बहुत बड़े बड़े नींबू है, नींबू ये देखो, नींबू ये देखो, नींबू ये देखो गाइस, ये हमारे बड़े नवाब हैं, इनको बड़ा शौक है फूलों का, तो ये मतलब फूलों में इतने मस्त हो गए कि इन्होंने अपने फूल चश्मे पे लटका लिए, बड़े दीवाने हैं फूल के ये। और ये हमारे नींबूबाज आदमी, इन्होंने नींबू तोड़े हैं, और गाइस डर के हमारे इन्होंने मेरी जेब में डाल दिए हैं नींबू। आपको नींबू दिखाते हैं, ये देखो, ये हमारे रोबिन सर हमको नींबू दिखा रहे हैं, ये रहा नींबू इस पेड़ पे लगा हुआ है, और इससे भी बड़ा मेरे हाथ में है। अब वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और पानी पियेंगे, अब कोल्ड ड्रिंक और पानी यहाँ पे होगी हमारी सेवा। पहाड़ देखो, ये देखो पहाड़, तो दोस्तों ये वो पहाड़ है जहाँ पे कर्ण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई थी सन 2002 में, सन का तो पता नहीं है लेकिन दम से बता रहे हैं आप। तो ये देखो चिड़िया के घोंसले लटके हुए हैं यहाँ, चिड़ियाओं के लिए ये लगा रखे हैं, और वो भाई साहब हमारे कुछ कार्य कर रहे हैं। हाय भाई साहब, क्या नाम है आपका? हैं अभिषेक जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? फ्रेम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो देखो बहुत अच्छी लोकेशन है, देखो पहाड़ वगैरह देखो, और ये हमारी टीम है। समीर खान जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर हमें तो ये देख के हमारा मन गदगद हो गया है कि बहुत अच्छी जगह है, बड़ी ताजी हवाएं चल रही है, और बहुत तगड़ा पार्किंग व्यवस्था कर रखी है, यहाँ पे बाहर गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, अंदर आइए, बगल में नहर चल रही है, बड़ी प्यारी जगह है। तो मतलब आपको नींबू के पेड़ के बारे में किसने बताया यहाँ पे? सर हमने वहाँ देख के नींबू लगे हुए थे, इन्होंने तोड़ के जेब में भी डाल लिए हैं। अच्छा, और वहाँ पकड़ भी सकते हैं इनको। अच्छा, तो देखिए वहाँ पे क्या होता है बाहर एग्जिट के टाइम पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ देखो पैर हाथ पकड़ने पड़ जाए। तो ये हमारे रोबिन भाई साहब है, तो आप यहाँ पे आओ, आराम से बैठो, एंजॉय करो। अच्छा, काफी मतलब अच्छा है, काफी अच्छी है घूमने फिरने के लिए, फैमिली मेंबर के लिए आप बैठ भी सकते हो, फैमिली बुला सकते हो, बच्चों को खेलने की बहुत जगह है, पीछे झील है जी, वो नहर है, नहर दिखाओ। अच्छा अच्छा जी, आपको नहर दिखाते हैं, नहर दिखा दो, आओ जी नहर दिखाते हैं आपको, ये ले लो, नहीं तो ये ले जाएंगे लोग। तो भाई बहुत अच्छी जगह है ये, तो यहाँ पे बार बार आने का मन कर रहा है हमारा। नहर की बात करें तो हम नहर काफी यूनिक, सामने ब्रिज बना हुआ है, वो ब्रिज बना हुआ है, नटनी का वारा है वो, और ये पानी की झील, और ये पानी की झील है, देखो ये देखो, इसमें पहाड़ी इलाका है ऊपर, इस नदी के अंदर मगरमच्छ कछुए सब मिलेंगे आपको, बड़े बड़े कछुए दिखेंगे आपको। तो भाई ये है हमारी आज की शूटिंग, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में लिखें, और लाइक करें, सब्सक्राइबर करें, फॉलो करें, और वीडियो को आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देख लो चारों तरफ पहाड़ में, ये देखो, ये देखो बंदर, बंदर भी है, और बंदर भी है उधर, चलो देखते रहो, बंदर को छेड़ो मत,
ओके तो हम बैठे हैं अभी इसके साथ, टमाटर महंगे हो रखे हैं इसलिए हम नींबू के साथ हैं। काफी शानदार मजा है। डॉग सब डॉग मेरे को दिखा, देखो गाइस ये हैं डॉग, इतने बड़े बड़े चीता की तरह डॉग है, इनसे मुकाबला करना हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा इसलिए हम तो नींबू से ही खेल रहे हैं। हमारे आर्मी वैन जैसे कि हमारे यहाँ एंजॉय चल रही है, तो जैसे कि सामा भाई घूम रहे हैं तो झूले ले रहे हैं, अब नीचे एक भाई वहाँ पे मजे ले रहा है। कितना मजा आया सामा भाई? बस बहुत अच्छा लग रहा है भाई, पहाड़ियों के बीच में झूले, हाय हाय बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मजा तो माउंट आबू में भी नहीं है लेकिन यहाँ पे आ रहा है एक छोटे से जिले के अंदर। अलवर कोई ज्यादा बड़ा जिला नहीं है, राजस्थान का छोटा सा टुकड़ा है लेकिन उसके अंदर इतना मजा, हाय हाय आई लाइक इट, मजा आ गया भाई। एंजॉय कर लिया और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ और हमारी गाड़ी वो खा रही है। ने एंजॉय कर लिया है सामा भाई, फुल एंजॉय किया। दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा, ये राजस्थानी जोधपुरी दाल बाटी चूरमा यहाँ मिल रहा है। अच्छा अब घर चलेंगे, घर जाके खाना खाएंगे, बहुत खा चुके हैं और आज बहुत एंजॉय कर चुके हैं। तो हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो वीडियो सारी शूट हो चुकी है तो भाई अभी हम वापिस जा रहे हैं अपने घर के लिए। तो रास्ते में देखो टाइम बारिश, तो हम वापस जाने के लिए तैयारी पे पहुंचने वाले हैं और रास्ते में बारिश आ गई है बहुत अच्छी, मौसम और भी अच्छा हो गया है, कूल कूल। लेकिन बस ये रहा कि वहाँ पे बारिश नहीं मिली हमें, इसका हमें खेद है आपको। अभी तो जा रहे हैं घर पे, बारिश का मौसम हो रहा है, रोड पे चल रहे हैं, बारिश बहुत अच्छी आ रही है, बारिश बहुत अच्छी आ रही है बारिश के अंदर। अभी तो आपको दिखाया है सिली सेड, अब आपको 3 तारीख को दिखाएंगे माउंट आबू दिखाएंगे, वहाँ का नज़ारा और भी अच्छा है। और हमारे ये ड्राइवर हमारे साथ रहेंगे और 3 मेंबर हमें और चौथे हमारे समीर से हैं साथ में, जो गाड़ी एक्सपर्ट ड्राइवर है, ये मिलेंगे हमारे साथ और मिलेंगे आपसे 3 तारीख। बीकानेर से निकलेंगे और सीधा पहले उदयपुर, उदयपुर से राजसमंद। भाइयों अभी हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए वापस, तो रास्ते के अंदर बारिश हो रही है भयंकर, तो बारिश का आनंद लेते हुए हम जा रहे हैं हाईवे पे। तो सिली सेड पे हमको बारिश नहीं मिली, इसके लिए हमें थोड़ा सा कष्ट करना पड़ा, कष्ट देखना पड़ा। तो अच्छा होता अगर वहाँ बारिश होती तो हमको ये नज़ारा एक अलग ही दिखता, लेकिन अब भगवान की मर्जी के आगे क्या हो सकता है।